वैसे इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि पहले कई बार क्या होता था कि दुनिया भर के मंचों पर भारत अपनी बात इतने एग्रेसिव और बोल्ड तरीके से कभी भी नहीं रख पाता था। यूनाइटेड नेशंस का मंच हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर G20, सार्क, ब्रिक्स जैसे ये संगठन हो, यहाँ पर भारत बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अपनी बात रखा करता था, जिसको कई बार तो कई सारे देशों द्वारा कंसीडर भी नहीं किया जाता था। लेकिन अब स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पॉपुलेशन साइज की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और मोर ओवर दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट के इम्पोर्टर के साथ साथ डिफेंस के लिहाज से देखा जाए तो चाइना को काउंटर करने के लिए एक ही मात्र ऑप्शन है। इसलिए भारत की बात दुनिया भर में सुनी भी जाती है और उन पर अमल भी किया जाता है। इसके साथ मोदी सरकार जब से आई है, पिछली सरकारों की तुलना में अब हमारी विदेश नीति काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है। हाल ही का एक एग्जाम्पल देख लो, जब ब्रिटेन ने हमारे सिटीजन के लिए 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड रखा था तो उसको भारतीय सरकार ने कैसे डील किया। कॉमनवेल्थ गेम से हॉकी टीम को बाहर निकालकर सेम 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड भारत आने वाले ब्रिटेन के टैबलेट्स पर भी थोप दिया, जिसके बाद ब्रिटेन को अकल आई और उसने इंडिया का कोविशील्ड का सर्टिफिकेट अपने देश में मान्य किया। सेम इसी तरह से अब अफगानिस्तान इशू भी सामने आ गया है और भारतीय सरकार से उम्मीद थी कि वो इस मसले में भी सक्रिय भूमिका निभाए, और पीएम नरेंद्र मोदी ने ठीक वैसा ही किया जैसी उनसे उम्मीद थी। पिछले कल G20 सदस्य देशों की एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान को साफ शब्दों में कह दिया कि अफगानिस्तान की धरती रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म का सोर्स किसी भी हालत में नहीं बननी चाहिए, यानी अफगानिस्तान से आतंकवाद बाकी हिस्सों में नहीं फैलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात यहाँ पर बोली थी जो कि तालिबानियों को थोड़ी बुरी लग सकती है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 20 सालों के सामाजिक और आर्थिक लाभ को संरक्षित करने और कट्टरपंथी विचारधारा के फैलने से रोकने के लिए तालिबान को अफगानिस्तान में जल्द से एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट खड़ी करनी चाहिए जिसमें महिलाओं और माइनॉरिटीज की भागीदारी हो। वैसे तालिबान सेम यही बात कहने पर पाकिस्तान, ईरान और तजिकिस्तान को चेतावनी दे चुका है कि ये तीनों देश उसके देश के इंटरनल मसलों पर इंटरफेयर ना करें, बिल्कुल भी नहीं बोलें, वरना ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ पीएम मोदी ने दुनिया भर के देशों से आग्रह किया कि अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर दुनिया भर के देशों का यूनिफाइड रिस्पांस होना चाहिए, यानी सभी देशों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। ये नहीं कि तालिबान को लेकर किसी देश को अगर कोई आपत्ति है तो उसके विरुद्ध जाकर कोई और देश तालिबानी गवर्नमेंट को मान्यता दे दे और उनके साथ संबंध सामान्य कर दे। पीएम मोदी ने पिछले कल की स्पीच में अफगानिस्तान के लोगों के लिए बिना किसी रुकावट के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी समर्थन किया। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबानी सरकार को कोई भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं भेजी है। पाकिस्तान की तो खैर हैसियत ही नहीं है कि वो G20 देशों के बीच में बैठे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको चाइना ने क्या बोला वो भी सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि चाइना क्या गेम खेल रहा है। चाइना को रिप्रेजेंट करने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद नहीं आए थे, उनकी तरफ से चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने हिस्सा लिया था। गौर करने वाली बात है कि चाइना ने अपने संबोधन में तालिबानी गवर्नमेंट को कोई भी नसीहत नहीं दी, बल्कि उल्टा उसको डिफेंड किया। वांग यी ने कहा कि दुनिया के बाकी सभी देशों को अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपना, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में मनमाने ढंग से दखल देना और यहाँ तक कि सैन्य हस्तक्षेप करना, ये अफगानिस्तान में लगातार इंस्टेबिलिटी, गरीबी और गंभीर मानवीय आपदाएं पैदा करेगा। इसके साथ चाइना ने कहा कि अफगानिस्तान के पिछले 2 दशकों यानी पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस और लेसन उनसे यही सीख मिलती है कि देशों के बीच डील करने का सही तरीका एक दूसरे की इंडिपेंडेंट चॉइसेस का सम्मान करना होगा। चाइना ने इसके साथ और भी कुछ बातें बोली, लेकिन मैसेज चाइना ने यही दिया कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को जो करना है वो उसको करने दिया जाए। वहाँ पर सरकार बन रही है, कैसी बन रही है, क्यों बन रही है, महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, उसमें दुनिया के बाकी देशों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो जैसे चाहें उनको अपना देश वैसे चलाने दिया जाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था थोपने की कोशिश उनके ऊपर ना की जाए। खैर, क्या आप चाइना की बात से यहाँ पर सहमत हैं कि हमें अफगानिस्तान में तालिबानियों को जो मर्जी करने देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।